फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये खूबसूरत सा पत्तियों का डिजाइन बताने वाले हैं। ये देखने में तो थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है। और अगर आप इसे एक बार देखकर, मेरी वीडियो को देखकर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर बना लेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हम एक सीधा बुनेंगे। धागा फ्रेंड्स अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और आप तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे फ्रेंड्स। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से आप ये पहली लाइन फ्रेंड्स कंप्लीट कर लीजिए। तीन सीधे, एक उल्टा, तीन सीधे, एक उल्टा। और अब लास्ट के दो फंदे सीधे ही आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जो दूसरी लाइन है वो भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। एक बिना बुने उतारेंगे, ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये उल्टा बुनेंगे। तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, और एक सीधा। एक सीधा, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो आपके ये जो फंदा चल रहा है, एक और ये दो, हमें इस तरह से पांच जालियां चाहिए, इसलिए आप तीन सिलाइयां और बुन लीजिए। इस तरह से आप पांच लाइनें बुन लीजिए। छठी लाइन में हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पांच लाइनें बुन ली हैं। आप इस तरीके से गिन सकते हैं, जो एक फंदा हमने सीधा बनाया है, बाकी के तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा। तो अब ये जो छह एक फंदा है फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच, ये पांच हैं, हम इसी पे डिजाइन डालेंगे। चलिए बनाते हैं डिजाइन। सबसे पहले एक बिना बुने उतारिए और ये तीन फंदे उल्टे हैं, तो ना उल्टा ही बुन लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए धागा पीछे कर दीजिए और ये जो फर्स्ट वाली फली है ना आपकी, ये फंदा जो है ये वाला, इसके अंदर से आपने
ऊन लाना है इस तरह से। देखिए ये एक बार निकाल लिया आपने, फिर आपने इस दूसरे में डाला, ये दो बार निकाल लिया, फिर आपने ये तीसरे में डाला, तीन बार निकाल लिया, एक दो तीन हो गए, फिर आपने इस जाली में डाला, ये चार हो गए, और ये जो हमारा पांचवा है इसमें डाल दिया। देखिए ये पांच हो गए, और ये जो हमारा फंदा है छठी सिलाई का, हम इसे एक बार सीधा बुन देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करना है आपने, बस यही सिलाई आपके समझने की है और आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस वाली सिलाई से इन फंदों के ऊपर से आपको ऐसे छोड़ना है, उतारना है, छोड़ना है, जो भी कह ले आप। इस तरह से ये दो उतर गए, फिर फ्रेंड्स ये तीसरा फंदा उतार लिया, फिर ये फ्रेंड्स हमने चौथा फंदा उतार लिया, फिर ये हमने पांचवा फंदा उतार लिया, और जो हमने एक बुना था उसे थोड़ा टाइट कर दीजिए। फिर आप फ्रेंड्स ये तीन उल्टे बुन लीजिए ऐसे। देखिए बुन चुके आपका, एक आपने बुन लिया था, दो उल्टे हो गए। अब जो ये आपकी जो फली ये जाली बनी हुई, यहाँ से आप पांच बार इसमें डालिए, एक दो तीन चार पांच। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, पहले धागा पीछे कर दीजिए फ्रेंड्स, ये रहा, और ये जो है पहले में से इस तरह से निकालिए, ये एक निकल गया, फिर ये दो बार आ गया आपका, आ गए फ्रेंड्स, चार आ गए, और एक ये पांच आ गए। इस तरह से देखिए आ गए, और एक ये जो आपका फंदा था छठा, इसे आप सीधा बुन दीजिए, फिर आपने इसके ऊपर से उतार दिया, एक तो आप बुन ही, आपने एक बुन ही लिया था, फिर ये आपके दो बच गए, तो इन दो को उल्टा बुन लीजिए, एक दो। इस तरह आपकी पत्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार और देख लीजिए इस तरह, पहले धागा पीछे कर दीजिए, एक बार बार, तीन बार, चार बार, और ये लास्ट है हमारा, पांच बार। और ये जो एक फंदा है आपका, इसे आप ऐसे ही बन लीजिए, देखिए फ्रेंड्स हमने पांच बार बना लिए, पांच बार निकाल लिए पांचों में से, एक दो तीन चार पांच, और ये जो हमारा फंदा है इसे हम सीधा बुन देंगे, और ये देख लीजिए आप, इसे एक बार इस तरह से उतारा, फिर इसे इन फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारा, फिर इन फंदों के ऊपर से इस तरह से, फिर इन फंदों के ऊपर से इस तरह से, फिर इन फंदों के ऊपर इस तरह से, और फिर इसे आप खींच के इधर जो आपका उल्टे फंदे हैं उसे उल्टा बुन लीजिए, और फिर पीछे करके फिर इसमें से इसमें से इसी तरीके से आप पत्ती बना लीजिए। चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं।
हमारा डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ना, कितना आसान बनाना, और देखने में लग रहा है कितना हार्ड है। अब जो फ्रेंड्स, जब आप इधर से बुनेंगी तो आपने ऐसा ये करना है कि देखिए, जो इन दो पत्तियों के बीच में तीन फंदे हैं, तो आप यहां से जब आप बुनेंगी, तो इधर से बुनेंगी तो आप इसको चार फंदे सीधे रख के इसके बीच में, यानी इसके अंदर ये जो है आपका, इसमें बुनेंगी आप एक उल्टा फंदा बुनेंगी, जिससे कि आपकी एक लाइन बन जाएगी और उसी में आप ये पत्तियां डालेंगी। बस आपने एक ही लाइन समझनी है, बाकी उल्टे पे उल्टा ही बुनिए और सीधे पे सीधा ही बुनते हुए चले चले जाइए। पांच लाइनों के बाद आपने छठी लाइन में इस पत्ती का डिजाइन डाल।